नमस्कार, मैं सबनाज और अब जो लाइव देख रहे हैं आप, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को मिलकर निकालेंगे बिहार की जनता की समस्याओं का समाधान। जी हाँ, समाधान यात्रा में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव रहेंगे साथ साथ। आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में 7 जनवरी को मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शामिल होंगे, वो भी शामिल रहेंगे, साथ रहेंगे। 7 जनवरी को नीतीश की समाधान यात्रा वैशाली में होगी। यहाँ नीतीश के साथ तेजस्वी यादव भी वैशाली के इलाकों में उनके साथ घूमेंगे। बता दें कि ये पहला मौका है, पहली बार ये हुआ है जब नीतीश की इस यात्रा में तेजस्वी यादव शामिल हो रहे हैं। यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वे क्यों बिहार घूम रहे हैं, और हमने दिया आपको रिपोर्ट में, पिछली रिपोर्ट में बताया था। और उन्होंने कहा कि और उससे किस प्रकार से विकास योजनाओं को जमीनी स्तर से देखने का मौका मिलेगा। बता दें कि वैशाली जिले में राजद की तूती बोलती है। पहले यहाँ के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र पर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का कब्जा था, वहीं इस वक्त तेजस्वी यादव वहां से विधायक है, यानी कि वैशाली जिले से लालू परिवार का पुराना नाता है। ऐसे में तेजस्वी यादव इस संबंध को और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और अच्छे तरीके से मजबूत करना चाह रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि नीतीश कुमार की समाधान यात्रा को लेकर जो दिशा निर्देश जारी हैं, उसमें संबंधित जिले या क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधियों में सांसद, विधायक और MLC शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई अनिवार्यता नहीं। साथ ही समाधान यात्रा में शामिल होने वाले जनप्रतिनिधियों को सिर्फ उन्हें विषयों से, मुद्दों पर बात रखनी है जो नीतीश कुमार की यात्रा के लिए पहले से बता दी गई है, पहले से तय है, यानी कि वो सिर्फ उसी मुद्दों पर बोलेंगे जो पहले से तय है, पहले से बता दी गई है, सिर्फ उसी मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। यानी सांसद, विधायक चाहे तो अपनी मर्जी से इसमें शामिल हो सकते हैं, अगर वे नहीं होते हैं तो इससे सीएम नीतीश कुमार को कोई गुरेज नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात तो ये है कि सिर्फ जनता को ही नहीं बल्कि सांसद, विधायक और MLC को भी इस बात का ध्यान रखना है कि समाधान यात्रा में उन्हें नीतीश कुमार के सामने किस मुद्दे को उठाना है। आप दूसरे मुद्दे को नहीं उठा सकते जिसके बारे में कह दिया गया है, जो तय कर दी गई है सिर्फ उसे। खैर, वैशाली जिले की जनता तेजस्वी यादव में अपना भाग्य मुख्यमंत्री देख रही है, इसलिए इनके दौरे के कारण वहां के लोगों के अंदर भी काफी जोश देखने को मिल रहा है। लोग उत्साहित हैं कि उनके क्षेत्र में वर्तमान मुख्यमंत्री और भाव्य मुख्यमंत्री एक साथ दौरा कर रहे हैं। इस पर राजनीतिक जानकारों का ये कहना है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की यात्रा से महागठबंधन को कितना लाभ होता है ये तो समय बताएगा, ये अभी कोई नहीं कह सकता, लेकिन इससे तेजस्वी यादव को लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ेगी। उनकी तेजस्वी यादव की लोकप्रियता है, जो उनका मान सम्मान है, वो और ज्यादा बढ़ेगा, जिसका लाभ उन्हें आने वाले वक्त में तो मिल सकता है और जरूर मिलेगा, आने वाले चुनावों में ये दिखेगा। खैर, ये रिपोर्ट यहीं तक थी। इस तरह की रिपोर्ट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।